हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी दोस्तों सुबह के 8:30 हुए हैं, तो इस वक्त मैं हूँ बगीचे में। तो साथ में यहाँ से मैं जा रहा हूँ गाँव वाले बगीचे में, वहाँ पर मैंने इथल मारी थी, यानी कि स्प्रे की थी, स्प्रे का छिड़काव किया था, इससे कलर आता है क्योंकि अब हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है दोस्तों। अब मैं एक दो दिन में सेब का तोड़ान करने वाला हूँ, मैं तोड़ूंगा सेब, तो इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ कि कितना कलर आया है, उस हिसाब से मैं वहाँ पर तोड़ान करूँगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें और इन तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी ऑल अपडेट आप तक पहुँचती रहे गाइस। अभी दोस्तों मैं हूँ घर के साथ वाले बगीचे में, जहाँ पर नए प्लांट है, छोटे छोटे पेड़ है, तो इसमें काफ़ी अच्छी फसल लगी है इस बारी। हालांकि ये पापा लोग इसकी जो केयर करते हैं, पापा लोग करते हैं मेरे, तो बहुत ही अच्छे सेब लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पर है दोस्तों छोटा सा पेड़, तो इसका जो है साइज़, पेड़ की हाइट लगभग इतनी है। तो ये हर साल फलों से लगता है ये पेड़, इसकी फसल कभी नहीं मरती है। आप देख सकते हैं टहनी, देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस, इसका जो कलर नेचुरल ऐसा ही है। हालांकि इसमें अभी छिड़काव नहीं हुआ है स्प्रे का। तो ये सुपर वैरायटी है, तो ये बहुत पुरानी वैरायटी है, काफ़ी पहले लगाई थी। आई थिंक इस पेड़ को आज की डेट में लगभग 15-20 साल से ऊपर हो चुका है। तो मैंने देखा हर साल इसमें जो है इतनी अच्छी फसल लगती है, कभी भी फसल नहीं मरती है, और इसका साइज़, इसका कलर और पेड़ की जो हालत है, बहुत ही कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैरायटी है। और यहाँ पर भी छुटकू सा पेड़ है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका भी इस बारी। तो साथ में वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फसल इसमें लगी है। हालांकि ये रॉयल वैरायटीज है, ब्लैक रॉयल है ये। इसमें अभी स्प्रे का छिड़काव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर छोटा सा पेड़ आप देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं आप। हालांकि वहाँ पर बड़ा पेड़ है, इसमें उतनी फसल नहीं है। तो यहाँ पर जो है हरी हरी घास में जो है कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा पेड़ जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सेब लगा है। तो हालांकि ये नए नए प्लांट हैं, यहाँ पर नए नए पेड़ हैं इसमें, तो ये सभी जो है नए प्लांट हैं, यहाँ पे घर के साथ है मेरे। तो यहाँ पर छोटा सा पेड़ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फसल है इसमें। यहाँ पर इस खेत में निकलते हैं नीचे को, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही औसम, यानी कि कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटकू सा पेड़। तो इस तरह का जो है इसमें सेब का देख सकते हैं गाइस आप। तो यहाँ अब नीचे को जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, आई थिंक ये अभी 2-3 साल का पेड़ है, तो बहुत ही अच्छी इसने इस परी फसल दी है। तो ये है दोस्तों वो क्वालिटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वाले पेड़ में। इसमें आप इसका दाना देख सकते हैं आप, बहुत ही साफ है और बहुत ही साइज भी अच्छा है इसमें, और कलर भी बहुत अच्छा है। अभी 2-3 दिन में ये तोड़ने को आ जाएगा लगभग, तभी मैं दिखा रहा हूँ, कि उसके बाद ये दिखाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तोड़ान करने के बाद। तो इस तरह के इसमें जो है नीचे भी है, दोस्तों जो हमारे पास पेड़ है, पुराने पेड़ भी है, बहुत बड़े पेड़ भी है। हालांकि बड़े पेड़ों में इस बारी फसल नहीं है, बड़े पेड़ जो है मेरे खाली गए हैं इस बारी। तो जो नए प्लांट है उसमें फसल ठीक है लगभग। ये मैंने कुछ थोड़ी सी आपको प्लांट दिखाई जिसमें सेब है, तो हालांकि काफ़ी है प्लांट, नए प्लांट काफ़ी है।
तो अभी जो है मैं गांव वाले बगीचे में जा रहा हूँ जहाँ पर भी नई प्लांट है, तो वहाँ पर मैंने स्प्रे मार दी है, तो वहाँ पर देखता हूँ कितना कलर आया है, उस हिसाब से मैं वहाँ पर तोड़ूँगा। तो आपको भी ले चलता हूँ गांव वाले बगीचे में। तो ये है गांव पार, तो नीचे को है मेरा बगीचा, मुझे वहाँ जाना है। तो आप बने रहे वीडियो में और पूरा देखने की कोशिश करें वीडियो को। तो तब तक चलते चलते मैं ये गोल्डन का सेब खाता हूँ क्योंकि मीठा होता है, आई थिंक इसमें मिठास आ चुकी है। तो ये पहला गोल्डन इस साल का मैं खा रहा हूँ अपने बगीचे से, हालांकि अभी प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है, पकने के बाद इसका जो कलर है गोल्डन की तरह होता है, सेम टू सेम जो गोल्डन जैसे कि सोने के कलर जो होता है सेम वैसे ही होता है। तो मैं इसको खाता हूँ। मीठा है तो काफ़ी मिठास आ चुकी है इसमें, हालांकि अभी हरा है ये, तो मैं खाता हूँ। अभी दोस्तों मैं पहुंच गया हूं गांव वाले बगीचे में। तो यहां पर इस तरह का सेब का जो साइज़ और कलर है इस तरह का है। तो यहां से शुरू होता है मेरा ये वाला खेत, हालांकि नीचे भी है, ये मेरे बड़े वाले भाई साहब का है, ब्रदर का है। तो हालांकि इस वाले खेत में पेड़ बड़े हो चुके हैं काफ़ी, लेकिन फसल उतनी नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम फसल है यहाँ पर। तो लगभग कलर भी अभी आना शुरू हो चुका है इथल मारने के बाद, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी है, तो हालांकि ये वाले पेड़ खाली गए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, इसमें उतनी फसल नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है खाली गए हैं पेड़। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है, यानी कि इसमें भी कलर आना शुरू हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस तरह का जो है मेरा गांव वाला ऊपर वाला ये बगीचा है, ये नई प्लांट है दोस्तों, इसमें भी हालांकि कलर अच्छा आ चुका है, यहाँ पर इसमें भी अच्छा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं गाइस। तो कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं जो खाली गए हैं, उतनी फसल इसमें नहीं है, तो बीच में छोटे पेड़ में है। इस वाले पेड़ में लगभग बहुत ही अच्छा कलर आया है और सेब की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ छोटा पेड़ है, दो दाने लगे हैं। ये भी नया पेड़ है, ये भी पेड़ काफ़ी बड़ा है, तो रास्ते के ठीक बगल में है, इसमें काफ़ी अच्छी फसल है दोस्तों, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो वहाँ से लेकर है ये यहाँ तक, तो काफ़ी अच्छे पेड़ है इसमें बने मेरे। तो अब मैं जाता हूँ निचले वाले खेत में, वहाँ पर देखते हैं अभी दूसरा नया प्लांटेशन नीचे है, मैंने कई बार आपको दिखाया है यहाँ नीचे को, अभी वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे वाले खेत में आ चुका हूँ, यहाँ पर है, तो ये भी नई प्लांट है, तो काफ़ी अच्छा साइज़ और कलर इसमें वहाँ तक, ये ऊपर तक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ नीचे से है इधर होके, ये सब नई प्लांट है गाइस, तो इसमें कलर भी अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, इसमें भी लगभग काफ़ी अच्छा कलर आया है, क्वालिटी सेब की बहुत अच्छी बनी है। तो घास इस बार इतनी लंबी हो चुकी है लगातार बरसात के चलते, आप देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी घास है,
तो इसके बीच में जो है मेरे काफ़ी सारे पेड़ अभी दबे पड़े हैं जो मैंने नई वैराइटीज लगाई है, किंग रोट, कार्लेट 2। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इस तरह की घास है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी, तो मेरे से काफ़ी ऊंची है। आपको तो पता है बरसात ने इस बड़ी काफ़ी तहलका मचाया है, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सभी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नए प्लांट में तो अच्छी फसल है लगभग, यहाँ पर पेड़ के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सेब बना है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर छुटकू सा पेड़ है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, यहाँ पर घास के बीच में दबे हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो साथ में यहाँ पर छोटा सा पेड़ बहुत ही अच्छी, इसने भी अपनी प्रोग्रेस दी है इस पर ही। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये वाला जो पेड़ है 3 साल का है, पिछले से पिछले साल ये पाल्टी लगाई थी लास्ट ईयर, इसमें कलम किया था, ये ब्लैक रॉयल है हालांकि। तो यहाँ पर इसने सैंपल दे दिया है, दो सेब लगे हैं बहुत ही अच्छे, 3 साल के पेड़ में सैंपल। बाकी वहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पेड़ 5 साल का है, काफ़ी अच्छा सैंपल है। तो यहाँ पर छुटकू सा है, 3 साल का है, सैंपल दे दिया है दोस्तों। तो जो ये वाला पेड़ है मेरा, इसमें हर वर्ष बहुत अच्छी फसल होती है, फसल नहीं मरती है इसमें, काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस वाले पेड़ का रहता है। हालांकि यहाँ पर भी टहनी घास के बीच में दबी है, लगभग कलर भी आ रहा है नीचे, यहाँ पर खाया है सेब चूहों ने। तो दोस्तों जो ये वाला है, ये भी 3 साल, ये है 3 साल इसकी उम्र, 1, 2, 3, 5, 6 दाने इसने भी दिए हैं, 7, 8 दाने दिए हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8 दाने। तो ये जो है अपने हाथों से दोस्तों मैंने लगाए हैं ये वाले पेड़। तो हालांकि घास के बीच में यहाँ से लेकर दोस्तों, यहाँ से लेकर इसमें छोटे पेड़ है अभी घास में नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक ऊपर नीचे और ऊपर जो मैंने आपको दिखाया, ये है मेरे नए प्लांट। तो इस तरह का है मेरा सेब। तो दोस्तों सेब को देखने के बाद लगभग आज से 3 दिन के बाद हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गिर जाएगा, यानी कि फिर झड़ना शुरू हो जाता है इथल मार के, जो हमने इसमें स्प्रे का छिड़काव किया है। तो आज से 3 दिन के बाद मैं जो है सेब तोड़ूँगा, इसलिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर की, क्योंकि उसके बाद ये सेब वाले पेड़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा नेक्स्ट ईयर तक। तो ये थी मेरी इस साल की फसल, जो पुराने पुराने पेड़ है मेरे, जो घर के साथ है, परे को पुराना बगीचा बहुत बड़ा है, तो हालांकि उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी सूख चुके हैं कई पेड़, तो उसमें फसल नहीं है, तो नई नई प्लांट में मेरी फसल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो बाकी मैं दिखाऊँगा जब हम बेचेंगे सेब आपके सामने, ये सेब कितने में जाएगा, कितने में बिकेगा मार्केट में, मैं पूरा दिखाऊँगा आपको दोस्तों। तो बने रहना हिमाचली ब्लॉग्स करण ठाकुर के साथ, हमेशा आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, और अपना और प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। अब मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।